brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. Superhuman. मुख्तारन सरी का पार्थिव शरीर तकरीबन 4 से 5 घंटे गाजीपुर पहुंचेगा अहमदाबाद। यहां पर उनके आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं इस समय कब्रिस्तान पर, जहां पर उनको सुपुर्द के खाक किया जाएगा, वहां पर सभी मौजूद हैं, यहां पहुंच गए हैं और वो इंतज़ार में है कि जब उनका जनाजा आएगा और यहाँ पर सुपुर्द के खाक किया जाएगा उस दौरान ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। बात करते हैं, ये बताइए कि क्या नाम है आपका और कब सूचना मिली आपको आप यहाँ पहुँचे हैं? क्या कहेंगे जिस तरीके से उनका देहांत हुआ है, आप लोग यहाँ आ गए हैं कब्रिस्तान पर, क्या सोचकर? क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर अब क्या होना है, किस लिए आप लोग आए? जी अब आए हैं, अब हम लोग वही किया जाएगा जो लाश आएगी सुपुर्द खाक किया जाएगा, यहाँ पर मिट्टी दिया जाएगा, नमाज पढ़ा जाएगा, जाना जाएगा भाई, यही सब। आप लोग कब से जुड़े हैं उनसे और किस तरीके से वो आप लोगों के बीच में रहे? जी हम लोग यहाँ मसीहा मानते हैं साहब, ठीक ना, मसीहा यहाँ हकीकत मोहम्मदाबाद के मसीहा थे, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद पूरा गाजीपुर जिला। अब जो कह रहा है जो कह रहा है उसको नहीं लेना देना है हम लोगों को, मान लिया माफिया भी कहते हैं लोग, मान लिया कोई कुछ कह रहा है, हम लोग तो मसीहा मानते हैं। ओके जी, आप बताइए क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोग देखते हैं उनको, क्या मानते थे उनको कि आज का दिन कैसे आप लोग इसको देखिएगा? ये तो आपको ही मालूम है कि उनके हत्या हुआ है, क्या हुआ है, इसमें पूरी बीजेपी सरकार की हाथ है और लोग को कहते हैं कि मतलब माफिया आए, लेकिन हम लोग माफिया नहीं मानते हैं। ये आपको ही मालूम है या पूरा पूर्वांचल ही मानता है कि नहीं माफिया है कि मसीहा है? आप लोगों के लिए वो खड़े रहते थे, करते थे, किस तरीके से, क्यों इतना दिल से क्यों मानते हैं, आखिर वजह क्या है? भैया देखिए आयशे ने हम लोग से बहुत पहले से उनसे ज़मीनी जुड़े हम लोग हैं, हर वक्त पे हम लोग के लिए साथ रहते हैं, खड़े रहते हैं, हर दुख सुख में शामिल रहते हैं पूरा परिवार इनका। आज आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं? जी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जब आएंगे तो हम लोग। जी आप बताइए क्या नाम है आपका? गुलाम वारिस। किस तरीके से मुख्तार अंसारी से आप जुड़े रहे हैं और किस तरीके से आज का दिन देख रहे हैं? आज का दिन हम लोगों के लिए गम का दिन है और मोहम्मदाबाद के लोग पूरा उनको मसीहा मानते हैं। एक गरीब के घर में शादी पड़ता है, उसका नहीं है देने के लिए, वो समर्थन दे के उनको सहायता करते हैं और शादी ब्याह भी करते हैं, पूरे मोहम्मदाबाद के लोग उनको मसीहा मानते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बहुत लोग उनको माफिया भी कहते हैं और माना जाता है कि उनका दबदबा रहा है पूर्वांचल में और कई केसेस हैं उनके पास, उसके बारे में फिर आप लोग क्या सोच रहे हैं? तो भाई विरोधी उनके हैं, वो तो उल्टा सीधा कह के उनको फंसाए हैं और कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। आप बताइए, आप भी खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, किस तरीके से मुख्तार अंसारी को आप देखते थे अपने जीवन में? अरे भाई हम लोग का तो बापो दादा से पीढ़ियों से चला रहा है, जान लिया कि उन्हीं का हम लोग क्षेत्र छाया में बसे भी हुए हैं उनके जमीन में, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो माफिया थे, कहने वाला तो कहता ही है, उससे कोई लेन देन नहीं है। और आदमी कहने वाले थे कि इनका हत्या करा दिए, उनका करा दिए बगैर उसमें कोई उनका हाथ था नहीं था। आप लोग के लिए करते थे हमेशा? हम लोग मतलब हर 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 जाति का करते थे, ये नहीं है कि हम लोग व्यक्तिगत, हर हर धर्म को मानने वाले लोग का करते थे। हाँ आज भी हर आदमी यहाँ मौजूद है आपके सामने, हर जाति के हर स्पेशली ये एक समुदाय के ये नेता थे, गंगा जमुनी तहजीब के ये बहुत ही मानिंद आदमी थे, आज से नहीं लगभग 63 या 64 साल की उनकी उम्र रही, इतने दिन उनके वफात रहे। मैं एक आप उनको एक किस्सा बता दूं, मैं सबसे जीता जागता उदाहरण हूँ। 2005-14 मई को हम लोग एक टूर्नामेंट मैच जीता था, मेरा छोटा भाई नाहिद जमाल इनके हाथों से वो प्राइज पाया होता, उसका मेरे पास क्लिप है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और उन्होंने उस समय इतना इनके अंदर दयालुता था, तो वो चीज़ मुझे आज भी यादगार रही कि जैसे एक बंदा उसमें स्वागत गीत गाया, तो स्वागत गीत गाने पे इतने दयालु थे,
उसको उन्होंने तुरंत अपने पॉकेट से, अब ये नहीं देखा कि 100 रुपया है कि 200 रुपया, उन्होंने पॉकेट से निकाला और उनको पैसा दिया। लगभग वो लड़के ने एक स्वागत गीत गाने पे उसको 5000 रुपया मिला। अब मेरा भाई जो कैप्टन वहाँ मैच फाइनल जीता था 2005 14 मई, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, उसका आपको क्लिप भी दिखाएंगे। वो क्रिकेट के भी शौकीन, क्रिकेट के, जी जी क्रिकेट के इनका तालुकात से बहुत से ज्यादा बड़ा था कि ये गाजीपुर का टाउन हॉल मैदान में इनका आज भी एक रिकॉर्ड है, वो जो छक्का जो मारे थे आज तक वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। वो इंटर कॉलेज गाजीपुर में जो टाउन हॉल का मैदान आज भी है, वो वहाँ पे बहुत अच्छे और इतने लंबे कद के भी थे भी, तो उसी क्रिकेट के एवज में हम लोग का भी मतलब बड़ा यादगार रहा कि भाई आज आए हैं तो उसके माध्यम से मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी पहुंचे, एक अच्छी चीज अच्छी शख्सियत है। ऐसा कुछ नहीं था भाई, हर आदमी का उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन बहुत अच्छे शख्सियत में हमने माना जाता है। देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो साफ तौर से मानते हैं कि वो उनके लिए मसीहा के तौर पर थे और हमेशा उनके सुख दुख में साथ खड़े रहे। यही वजह है कि आज उनको जब सुपुर्दगी खाक किया जाना है तो ऐसे में वो सभी उनके चाहने वाले लोग कब्रिस्तान में पहले से ही पहुंच गए हैं और अब 4 से 5 घंटों का उनके जनाजे का इंतजार कर रहे हैं।